hey guys welcome to ria study and uh, if you are new on my channel so i would like to tell you that uh, my name is ria sony and uh, i make videos on english literature for all of you okay so uh, let's proceed on the poem ulysses okay so today we are going to uh, read that the poem ulysses and uh, this one poem is a beautiful poem by alfred lord tennyson okay so you know tennyson एक्चुअली आप सभी जानते होंगे टेनिसन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एरा ओके विक्टोरियन पीरियड के एंड ही इज द एक्सपोजिटर ऑफ दिस एज ओके या सो अब प्रोसीड करते हैं इस पोएम की तरफ़ यूलिसिस एक बहुत ही शानदार पोएम है गाइस और इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ी हिस्टोरिकल पोएम है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा हिस्ट्री से लिया गया है तो चलिए पोएम के बारे में जान लेते हैं कि पोएम जो है यूलिसिस हमारी ये कहाँ से ड्राइव की गई है ठीक है तो ये जो पोएम है आपने सुना होगा होमर के बारे में तो होमर जो थे वो ग्रीक के पोइट थे उनकी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इपिक है ओडिसिस ठीक है ओडिसी उनका एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इपिक है तो होमर जो है ग्रीक पोइट उनने दो बहुत ही शानदार एपिक लिखे हैं और इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है ओके okay, उनका नाम है इलियाड एंड ओडिसी तो जो ओडिसी इनका वर्क था ना उसी से लिया गया है यूलिसिस ठीक है उसी की जो स्टोरी है वो यूलिसिस में रखी गई है क्योंकि यूलिसिस ही उस कैरेक्टर का नाम था ओडिसी में जो कैरेक्टर था ना उसका नाम था यूलिसिस ठीक है तो उसी की स्टोरी पर ये जो पोयम है ना ये टेनिसन ने लिखी है ठीक है अब उसकी स्टोरी क्या थी वो जानते हैं सबसे पहले तो यूलिसिस पहली बात तो है कौन था देखिए यूलिसर जो था वो एक किंग था कहाँ का इथाका था इथाका इथाका एक जगह का नाम है यानी इथाका एक टापू है जहाँ पर वो रहता था ठीक है तो पीछे आगे सब आ जाएगा तो डोंट वरी अबाउट दैट सो किंग ऑफ इथाका इथाका जगह का वो क्या था राजा था और क्या हुआ था कि वो एक ट्रॉजन वार के बारे में आप सभी ने जाना होगा आई नो लिटरेचर लवर सो आप सब तो ट्रॉजन वार के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा तो ट्रॉजन वार जो था यानी ट्रॉय का युद्ध जो हो था वो टेन इयर्स तक चला था तो उस युद्ध में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और इसके लीडर थे ये ठीक है उसको लीड कर रहे थे ये तो यूनिसेस जो थे ठीक है ये लीड कर रहे थे उसको और टेन इयर्स तक वो युद्ध चला था उसके बाद क्या हुआ था गाइज टेन इयर्स तक बैटल चला था उसके बाद जब ये घर लौट रहे थे वापस तो घर लौट रहे थे तो समुद्र में क्या हुआ रास्ता भटक गए इनके जितने भी मैरिनर्स थे बहुत सारे लोग थे इनके साथ तो वो सभी क्या हुआ समुद्र में रास्ता भटक गए और अराउंड टेन ईयर्स गाईस टेन ईयर्स इनको हो गए थे रास्ता भटकते हुए ठीक है तो टेन ईयर्स तो बैटल में हो गए युद्ध में हो गए टेन ईयर्स रास्ता भटकने में लग गए गईस तो कितने हो गए ऑलमोस्ट यानी नो ट्वेंटी ईयर्स यानी बीस साल तक ये भटकते रहे उसके बाद बीस साल हो गए इनको कंप्लीट अब जब घर लौट रहे थे ये अपने तो यूलिस जो था जब वो अपने घर लौट रहा था तो वो सोच रहा था कि यार हो सकता है मेरे इथा का जो टापू है उस पर किसी आस पड़ोस के जो किंग है या फिर कोई जो आस पड़ोस के जितने भी किंगडम्स वगैरह हैं या फिर कोई जितने भी मतलब हो सकता है कि किसी ने अटैक कर दिया हो उनके राज्य पर हो सकता है कि उनका किसी ने अटैक करके छीन लिया हो अब तक कोई और उसको रूल कर रहा हो ऐसा ये सोच रहे थे अपने दिमाग में ठीक है लेकिन जब ये घर पहुँचते हैं तो इनका स्वागत किया जाता है इनकी वाइफ़ के द्वारा इनकी वाइफ़ का नाम है पैनी ठीक है तो कई बार पूछा जाता है गाइज नेट वगैरह में भी तो ये चीज़ें याद रखनी है कि कैरेक्टर्स को मोस्टली हमें यू you नो know, कैरेक्टर्स के नेम तो हमें याद ही होने चाहिए ठीक है तो यूलिसिस की वाइफ होंगी पैनीलोप ठीक है इनका एक बेटा है जिसका नाम था टेलीमेकस ठीक है तो टेलीमेकस इनका एक बेटा है ठीक है तो टैली मेकर से उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे जो कि हमारे दूसरे सेक्शन में यानी जो पोएम है इसका टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक तो है सॉली लोकी और दूसरा है ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना वो मैं बताऊँगी आपको उससे पहले जानते हैं स्टोरी के बारे में तो कहाँ तक पहुँच गए हाँ ट्वेंटी ईयर्स तक इनका क्या था ट्वेंटी ईयर्स तक भटकते रहे अब वापस जब टापू पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि टैली मेकर्स ने बहुत अच्छी तरीके से क्या है उनके जो इथहा का टापू उसको संभाला हुआ है वहाँ के लोगों को अच्छे से मतलब अच्छे से उनकी केयर कर रहा है और लोगों को अच्छे से संभाल के रखा है तो उस चीज़ को देख बड़े खुश होते हैं अब क्या हुआ था कि वो घर जैसे वापस लौट के आते हैं तो उसके बाद वो घर पर आके एक लाइफ उनकी ऐसी हो जाती है कि Uh, मतलब एक ऐसी लाइफ हो जाती है जैसे एक नॉर्मल राजा की होती है ठीक है तो वहाँ पर आराम से बैठना और बहुत सारे यू नो उनकी सेवा करने के लिए रहते हैं तो वो यूलिसिस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक लाइफ ऐसी लाइफ चाहता है जो फुल ऑफ एक्शन हो फुल ऑफ़ एडवेंचर हो फुल ऑफ़ यू नो ट्रैवलिंग ऐसी लाइफ पसंद है उनको उन्हें ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है उन्हें एडवेंचरस लाइफ पसंद है उन्हें नए नए एक्सपीरियंस लेना पसंद है ठीक है तो वो ऐसी लाइफ चाहते हैं जिसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस कर सके नए नए एडवेंचर हों ठीक है और फुल ऑफ़ यू नो एक्शन एंड मोशन मोशन यानी होता है समुद्री यात्रा और एक्शन यानी होता है युद्ध तो उनको ऐसा जीवन ज़्यादा पसंद था तो उसके बाद वो बहुत ही मतलब अजीब सा फील करते हैं घर आने के बाद यानी अपने इथाका टापू पर लौटने के बाद बड़ा दुखी फील करते हैं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ क्योंकि मैंने एक ऐसी लाइफ जी है जो स्ट्रगल से भरी हुई थी और यू you नो know, वो ऐसी जीवन को ही पसंद करते हैं तो उसके बाद ये जो ये पोएम लिखी गई है इसमें स्टार्टिंग जो हो रही है ना यहाँ पर इट इट लिटिल प्रॉफिट से तो ये जो है ये यूलिसिस सोच रहा है यूलिसिस जो कैरेक्टर है अपना क्योंकि घर आने के बाद वो बड़ा ही मतलब बहुत ही आइडल फील करता है कि बहुत ही बेकार सा फील करता है कि यार घर आकर मेरी लाइफ कैसी हो गई है ठीक है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा जीवन देखा है जो स्ट्रगल से भरा हुआ है जो एडवेंचर से भरा हुआ है ठीक है तो वो ऐसा जीवन ही हमेशा जीना चाहते हैं ठीक है थीके? पर घर आकर वो जब उनकी लाइफ ऐसी हो जाती है तो उसके बाद का जो डेस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है समझ में आया थोड़ा बहुत समझ देरे देरे में आया होगा ठीक है अब धीरे धीरे जैसे पॉम स्टार्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा ठीक है अब मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ आपको गई कि ये जो पोएम है ना इसको ये टू फॉर्म में लिखी गई है फॉर्म तो आप जानते हैं क्या होता है यानी तू दो तरह से इसे लिखा गया है जैसे पहली चीज़ तो है सोली लोकी ठीक है तो पहली चीज़ सॉली लोकी अब आप पूछेंगे कुछ बच्चों को नहीं पता ठीक है तो मैं बता देती हूँ सॉली लोकी क्या होता है देखिए सोली लोकी यानी होता है सेल्फ अट्रेंस सेल्फ अट्रेंस ऑफ द स्पीकर ठीक है तो देखिए सेल्फ अट्रेंस क्या होता है ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है तो सोलिलों के यानी होता है कथन जो इंसान खुद बोलता है यानी जो कैरेक्टर होता है ना जो वो खुद से बातें करता है ना अपने उस वो चीज़ें जो होती ना वो क्या होता है कि जो वो खुद से बातें करता है ना वो किसी को पता ही नहीं देता वो मतलब उसके दिमाग में वो चीज़ें चल रही होती हैं ठीक है वो खुद से ही बातें करता रहता है जैसे कई बार आपने शोज वगैरह देखे होंगे टीवी पर तो जो भी कैरेक्टर होता है हमारा इमेजिनरी कैरेक्टर होगा तो वो ऑब्वियसली वो खुद से बातें कर रहा होता है तो हम मतलब जो ऑडियंस होते हैं ना उनको सब पता चल रहा है इसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो मतलब जोर जोर से बोलता है लेकिन वो किसी को सुनाई नहीं देता ऑब्वियसली है ना ऐसा होता है तो ये सब आपको पता है ये चीज़ें तो सॉली लोकी के फॉर्म में लिखी गई है यानी सबसे पहले यूलिस जो है वो खुद से बातें कर रहा है अभी ये सारी चीज़ें जो बता रहा है ना वो ख़ुद से बोल रहा है वो कोई और नहीं है यहाँ पर सुनने वाला बस वो ही एक जो बोल रहा है ये बातें ठीक है थीके? इसके बाद जो पोयम है सेकेंड जो पार्ट है इसका मतलब थोड़ा सा इसके आगे वाला जो प्रोसीड करेंगे हम जब इसका सेकेंड पार्ट आगा तो उसमें जो है ये फॉर्म कौन सा है ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामेटिक मोनोलॉग आप सभी जानते होंगे कितना फेमस है ड्रामेटिक मोनोलॉग अब कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ ड्रामेटिक मोनोलॉग वो होता है जिसमें कि एक सिंगल स्पीकर होगा गई समझ रहे हैं स्पीकर यानी बोलने वाला एक ही स्पीकर होगा और जो लिसनर होंगे ना वो कितने भी हो सकते हैं चार पांच लिसनर या एक दो तीन कितने भी लिसनर हो सकते हैं लेकिन स्पीकर हमेशा एक ही होगा ठीक है ड्रामेटिक मोनोलॉग में तो देखिए यहाँ पर सोली में स्पीकर कौन है यूलिसिस है ठीक है ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर कौन है यूलिसिस है अब सोली में तो कोई लिसनर नहीं होता पर ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है अब ड्रामेटिक मोनोलॉग में कौन है इसके मैरिनर्स जो थे इसके साथी जो थे इसके साथ, साथ युद्ध करने गए थे वो सभी क्या बनेंगे इसके लिसनर बनेंगे ठीक है तो सबसे पहले सोली लोकी वाला फॉर्म पढ़ेंगे हम ठीक है तो आप पता लग गया आपको कहाँ तक स्टोरी खत्म की थी मैंने मैंने स्टोरी खत्म की थी कि ये जब घर लौट के आता है फिर उसके बाद जो आइडल लाइफ होती है उसको देखता है कैसे निष्क्रिय जीवन हो गया उसके बाद की बता रहा है अपनी भरी व्यथा कि यार कैसा लग रहा है उसको वहाँ पर ठीक है चलो आगे प्रोसीड करते हैं इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग ओके सो so गाइज बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एक एक लाइन को हम बहुत ही क्लियरली समझेंगे जो आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा ठीक है लेट्स रीड इट लिटिल प्रॉफिट्स ये बात लिटिल प्रॉफिट्स यानी कम फायदे की है ठीक है प्रॉफिट यानी होता है फायदा अब कम फायदे यानी उपयोग की तो नहीं है अनुपयोगी है बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब लिख लीजिए अनुपयोगी इट लिटिल प्रॉफिट्स ये अनुपयोगी है दैट एन आइडल किंग कि एक निष्क्रिय राजा निष्क्रिय राजा यानी नि, आइडल किंग कह दो या फिर ये चीज़ कह दो कि राजा निष्क्रिय हो जाए यानी एक निष्क्रिय राजा या फिर एक राजा निष्क्रिय हो जाए तो यह अनुपयोगी है बात है बात होगी कि एक राजा निष्क्रिय हो जाए ठीक है बाई दिस स्टिल हर्थ ये बात कौन कह रहा है यूलिसिस के दिमाग में चल रही है चीज़ें खुद से बातें कर रहा है कि यह अनुपयोगी है कि एक राजा निष्क्रिय हो जाए बाई दिस स्टिल हर्थ स्टिल यानी होता है शांत हर्थ यानी होता है फायर प्लेस फायर प्लेस यानी अग्निस्थान ठीक है स्टिल यानी शांत और हर्थ यानी अग्निस्थान तो ये बात बहुत अनुपयोगी है कि एक निष्क्रिय राजा या फिर एक राजा निष्क्रिय हो जाए और स्टिल हर्थ यानी शांत अग्निस्थान के पास बैठा रहे अमंग दीज बैरन क्रेग्स बैरन यानी होता है बंजर ठीक है क्रेग्स यानी चट्टाने और इन बंजर चट्टानों के पास में बैठा रहे मेचड विद एन एज्ड वाइफ ए जड़ी वाइफ यानी वृद्ध पत्नी वृद्ध पत्नी के साथ मेट यानी मिलकर रहे मिलकर रहे किसके साथ वृद्ध पत्नी के साथ आई मीट एंड डॉल अब अब जो यूलिसिस है वो कह रहा है कि मैं न्याय दूं मीट यानी होता है न्याय देना ठीक है एंड डॉल यानी होता है दान या भिक्षा देना अब आगे यूलिसिस कह रहा है कि मैं क्या दूं न्याय दूं या फिर दान या भिक्षा दूं अनइक्वल लोज और मैं कठोर सजा सुनाऊं अन टू सैवेज रेस यानी इस प्रकार की असभ्य जाति को असभ्य जाति यानी यानी असभ्य जाति यानी अशिक्षित लोग जो उसके आसपास रह रहे हैं ना अभी अभी राजा के रूप में वो ठीक है और उस आसपास की जो प्रजा है ना उनके लिए कह रहा है कि ये अशिक्षित लोग हैं ये नहीं समझते कि एक जीवन में अच्छे कार्य क्या होते हैं यानी जीवन में इंसान को हमेशा कैसा होना चाहिए एक्टिव होना चाहिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ऐसे निठल्लू की तरह नहीं बैठा रहना चाहिए क्योंकि मोस्टली राजा जो क्या करते हैं वो क्या करते हैं स्टिल हरती अग्निस्थान के पास बैठे रहते हैं बंजर चट्टानों के पास बैठे रहते हैं ठीक है बहुत सारे उनकी सेवा करते रहते हैं और वृद्ध पत्नी के साथ बैठे रहते हैं ठीक है ठीके? तो ये चीज उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी तो इसीलिए कह रहा है कि ये अनुपयोगी बात होगी कि एक निष्क्रिय राजा यानी राजा बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए निष्क्रिय यानी पैसे हो जाए काम वाम नहीं करे कुछ भी बैठा रहे शांत अग्निस्थान के पास बैठा रहे बैरन क्रेक्स बंजर चट्टानों के पास बैठा रहे मेचड विद एन एज वाइफ मिलकर रहे एक वृद्ध पत्नी के साथ तो उस पर कह रहा है कि आई मेठ मैं न्याय दूं एंड डोल या दान या भिक्षा दूं अनवल लोज कठोर सजा सुना दूं अन टू अ सैवेज रेस इस प्रकार की असभ्य जाति को मीन्स जो इलिटरेट पीपल हैं उसके आसपास के जो अशिक्षित लोग हैं उनके आगे यूलिसिस कह रहा है कि वो जो लोग हैं ना दैट होल्ड जो कि पैसा एकत्र करने में लगा देते हैं अपना सारा समय पैसा एकत्र करने में लगा देते हैं एंड स्लीप और सोने में लगा देते हैं एंड फीड और पोषित होने में लगा देते हैं एंड नो नॉट मी और मुझे नहीं जानते हैं मुझे जानने से मतलब है कि मेरे साहसिक कार्यों के बारे में वो लोग नहीं जानते हैं आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल यानी आगे कह रहा है कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल मैं यात्रा से आराम नहीं कर सकता आराम करने का मतलब है मैं यात्रा के बिना नहीं रह सकता यानी मुझे हमेशा ऐसा जीवन चाहिए जिसमें ट्रैवलिंग हो ट्रैवलिंग हो ठीक है आई विल ड्रिंक आगे कह रहा है कि आई विल ड्रिंक मैं पीऊंगा लाइफ जीवन को टू इट टू दीस यानी इसके अंतिम हिस्से तक लीस यानी अंतिम हिस्से तक ठीक है एट द एंड यानी लास्ट तक मैं अपने जीवन के पूरे उसको पीऊंगा पीने का मतलब है आनंद उठाऊंगा ठीक है आई विल ड्रिंक लाइफ में जीवन का पीऊंगा जीवन को पीने का मतलब ये नहीं है कि कोई पानी है जो पिए जा रहा है वो जीवन को पीने का मतलब गहराई से समझी यार गया इस थोड़ा कि पीने का मतलब है कि यार जीवन में हमेशा इतने साहसिक कार्य करता रहूंगा तब तक जब तक कि क्या होगा तब तक जब तक कि अंतिम सिरे तक अंतिम सिरे तक लीस यानी अंतिम सिरे तक यानी मेरी एंड तक यानी जब तक मर नहीं जाना मरने से पहले तक तक मुझे ये सब काम करना है ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड अब अपनी पास्ट डेज के बारे में बता रहा है वो कि ऑल टाइम्स हर समय आई हैव एंजॉयड मैंने क्या किया है अत्यधिक आनंद उठाया है ग्रेटली अत्यधिक रूप से हैव ग्रेटली यानी आनंद में मैंने अत्यधिक रूप से उठाया है हैव सफर्ड ग्रेटली और मैंने सफर्ड यानी सहन किया है ग्रेटली यानी अत्यधिक रूप से यानी मैं आनंद भी मैंने बहुत अधिक उठाया है और मैं बहुत अधिक मैंने सहन भी किया है बोथ उन दोनों के साथ ही विद दोज उन लोगों के साथ भी दैट लव्ड मी जिन्होंने मुझसे प्रेम किया एंड अलोन और अकेले भी ऑन शोर यानी तटिया किनारे पर एंड वैन थ्रू स्क्रडिंग ड्रिफ्ट और एंड वैन और जब थ्रू स्क्रडिंग ड्रिफ्ट्स यानी जो बहते हुए वाष्पीय बादल होते हैं थ्रू यानी से थ्रू यानी से ठीक है स्कडिंग ड्रिफ्ट यानी होता है बहते हुए वाष्पीय बादल जब उसमें से द रेनी हेड्स यानी जो सात तारों का समूह है रेनी यानी बरसाती सात तारों का हेड्स यानी होता है गाइस ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स ठीक है तो बरसाती जो सात तारों का समूह है उसमें से जो बहते हुए वाष्पीय बादल हैं वो क्या कर देते हैं वैक्सड यानी तूफान युक्त बना देते हैं द डिम्स यानी धुंधले सागर को यानी कहने का मतलब है पूरी चीजें बता रहा है जो यूलिसिस है वो क्या कह रहा है कि जब बादलों सागर को ठीक है आई एम बिकम मैंने एक नाम कमाया है नाम कमाने का मतलब है मैंने क्या किया है प्रसिद्धि प्राप्त की अत्यधिक मैं फेमस हुआ हूँ फॉर ऑलवेज रोमिंग विद हंगरी हार्ट में हमेशा मैंने विचरण किया है मैं घूमा हूँ विदरी हार्ट यानी एक उत्सुक हृदय के साथ हंगरी यानी होता है वैसे तो भूखा होता है लेकिन यहाँ पर क्या है क्यूरियस होगा इसका मतलब यानी उत्सुक अब हंगरी किस चीज के लिए अब हंगरी फॉर एडवेंचर्स गाइज तो किस चीज़ के लिए भूखा है वो एडवेंचर्स के लिए साहसिक कार्य करने के लिए ठीक है मच हैव आई सीन एंड नोन अत्यधिक रूप से मैंने देखा है एंड नोन यानी मैंने जाना है सिटीज़ ऑफ़ मैन क्या क्या जाना है आप देखा होगे सिटीज़ ऑफ़ मैन शहरों के लोगों को एंड मैनर्स उनके तौर तरीकों को क्लाइमेट्स जलवायु को काउंसिल्स परिषदों को गवर्नमेंट सरकारों को माई सेल्फ नॉट लीस्ट और इन सभी के बीच में मैं कम नहीं था यानी मैं भी इन सभी के बीच में कम नहीं था बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल बल्कि मेरा सम्मान किया गया उन सभी के बीच में एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद पी माई यानी यानी मैंने मैंने आनंद लिया है. Of battle, युद्ध का. मैंने युद्ध का आनंद लिया लिया है है युद्ध युद्ध का का मेरे साथियों के साथ साथ यानी होता है guys, जो बराबर बराबर के के साथी होते हैं ना उनके साथ. तो मैंने मेरे बराबर के साथियों के साथ युद्ध का बड़ा आनंद लिया है फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय कहाँ से जो दूर स्थित गुंजायमान मैदान है रिंगिंग यानी गुंजायमान मैदान ऑफ विंडी ट्रॉय यहाँ पर आ रहा है,

बढ़ता हूँ यानी येट ऑल एक्सपीरियंस जो यूलिसिस है वो कह रहा है कि अब तक मैंने जितने भी एक्सपीरियंस लिए ना गाइस वो क्या है एक दरवाजे के समान है मेरे लिए क्या है एक दरवाजे के समान है जिसमें से क्या है उस दरवाजे में से क्या चमकता है एक ऐसा संसार जिसकी यात्रा नहीं की गई और उस संसार की जो सीमाएँ हैं है या जो किनारा है वो क्या पड़ जाता है धुंधला पड़ जाता है हमेशा के लिए हमेशा के लिए जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ आगे यूलिसिस कह रहा है गाइस कि हाउ डल इट इज टू पोज की कितनी नीरस बात है, है।, e जाना, जाना। है।, मतलब चलते चलते है स्ट्रगल से रुक जाओ यानी आप सोचो कि नहीं अब जीवन में बहुत स्ट्रगल कर लिया बहुत मेहनत कर ली अब मुझसे नहीं हो रहा अब नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता तो ये चीज बहुत गलत बात है यूलिसिस कह रहा है कि हाउ डल कितनी नीरस बात है इट इज टू पोज ठहर जाना टू मेक एन एंड समाप्ति कर देना

यानी इसका उपयोग में नहीं लेगे ना जब तक तो उसकी चमक भी ख़राब होने लगती है उसी प्रकार मतलब ये एक उदाहरण था उसी तब तरह है जो यूलिसिस है वो बताना चाहता है कि लाइफ जो है ना वो भी ऐसी ही चीज़ है अगर लाइफ को आप अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं करोगे आप अच्छे से अपने का अच्छे अच्छे कामों में यूज नहीं लोगे ना अपने जीवन को तो क्या होगा हमारा जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा जैसे जैसे तलवार में जंग लग जाती है ना पड़े पड़े वैसे हम भी खराब होते जाएंगे बेकार हो जाएंगे बिल्कुल तो जीवन को जितना हो सके उतना हमें एक्टिव बनना चाहिए उतना यूटिलाइज करना चाहिए ठीक है एज टू टू ब्रीथ वर लाइफ मानो कि श्वास लेना ही जीवन हो यानी कई निठल्ले लोग होते हैं उनके लिए तो लगता है सांस ले रहे हैं बस चल रही है जिंदगी तो सांस लेना ही जीवन हो लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल आगे यूलिसिस कह रहा है कि लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ पाइल्ड यानी कि जीवन की जो श्रृंखलाएं हैं लाइफ पाइल्ड एन लाइफ यानी जीवन की जितनी श्रृंखलाएं हैं ना वो ऑल टू लिटिल वो बहुत ही कम है यानी जीवन की जितनी श्रृंखलाएं हैं ना मेरे लिए यानी एक जीवन के बाद दूसरा जीवन मिलता है ऐसा कहने की बातें गई तो ये सब मेरे लिए बहुत ही कम है ऑफ वन और टू मी वन टू मी यानी एक जीवन वन यानी एक ऐसा जीवन टू मी जो मेरे प्रति है यानी मुझे ईश्वर ने एक जीवन दिया है ठीक है वो इस बात को याद कर रहा है कि मुझे जीवन ने मतलब ईश्वर ने एक जीवन दिया है लिटिल रिमेंस उसका थोड़ा बहुत रह गया है क्योंकि उसे पता है वो ओल्ड एज में आ चुका है अब बीस साल तक युद्ध किया था भटक गए थे कितने साल हो गए हैं ठीक है तो वो उसको पता है कि वो ओल्ड एज में आ चुका है तो वो कह रहा है कि एक जीवन जो मुझे मिला है लेकिन लिटिल रिमेंस है नहीं बहुत कम रह गया है अब बहुत कम ही बचा है बट एवरी आर इज सेव लेकिन एक उम्मीद भरी बात कह रहा है आगे कि बट एवरी आर लेकिन प्रत्येक क्षण इज सेव जो भी बचा है यानी इस जीवन में से जितना भी क्षण बचा है यानी हो सकता है कि दो या तीन साल अब मेरे जीवन में बचे होंगे क्योंकि थोड़ा वृद्ध हो चुका है तो वो कह रहा है कि अब जितना भी क्षण बचा है ना फ्रॉम दैट इटरनल साइलेंस उस शाश्वत शांति से शाश्वत शांति मतलब गाइस इटर्नल साइलेंस समझने की कोशिश करेंगे शाश्वत शांति यानी इंसान कब हो जाता है हमेशा के लिए शांत जब वो मर जाता है यानी इटरनल साइलेंस यानी गाइस डेथ ठीक है तो उस मृत्यु से एवरी आर इज से जितना भी क्षण है ना अभी मेरे पास समथिंग मोर वो कुछ अधिक है यानी अब ऐसा नहीं है कि मैं अभी से उम्मीदें खो बैठूंगा नहीं 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 जितना भी क्षण है ना वो मेरे लिए समथिंग मोर यानी कुछ अधिक है अ ब्रिंगर और वो क्या है नई चीजों को लाने वाला है ब्रिंगर यानी लाने वाला ऑफ न्यू थिंग्स यानी नई चीजों को नई चीजों को लाने वाला है एंड वाइल्ड इट वर वाइल यानी होता है गाइज तुच्छ तुच्छ बात होगी फॉर सम थ्री सन्स सनस यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो इयर्स है सन यहाँ पर यहाँ पर यर्स uh, है उनके लिए कह रहा है कि कुछ तीन साल जो बचे हैं टू स्टोर कि ये बहुत तुच्छ बात होगी बहुत ऊंची बात होगी कि मैं तीन साल जो मेरे बच्चे हैं उसको लगता था कि अब शायद तीन साल ही बच्चे होंगे मेरे जीवन के तो ये जो तीन साल बच्चे हैं उनको मैं क्या करूँ ये तुच्छ बात होगी कि मैं उनको स्टोर एंड होल्ड यानी पैसा एकत्र करने में लगा दूँ माई सेल्फ यानी स्वयं अगर मैं उनको तीन साल जो बच्चे हुए हैं मेरे जीवन के उनको भी मैंने पैसा एकत्र करने में लगा दिया गाइस तो क्या होगा ये तो बहुत ही बेकार बात होगी यानी उसको मुझे फिर से अपने जितने भी क्षण बचे ना उनको फिर से मुझे कुछ ना कुछ अच्छे कार्यों में मुझे लगाना चाहिए एंड दिस गे एंड दिस ग्रे स्पिरिट ग्रे स्पिरिट किसके लिए कह रहा है खुद के लिए कह रहा है कि ये जो वृद्ध आत्मा है ग्रे यानी सफेद स्पिरिट यानी आत्मा सफेद यानी क्या होता है जिसके बाल सफेद हो गए हैं तो यानी वृद्ध ठीक है तो ये जो वृद्ध आत्मा है यर्निंग यानी ये लालसा करती है इन डिजायर यानी इच्छा में और ये जो व्रत दात्मा यानी यूलिसिस खुद के लिए कह रहा है कि ये क्या इच्छा करती है टू फॉलो अनुसरण करने की इच्छा करती है किस चीज का नॉलेज यानी ज्ञान का लाइक अ सिंकिंग स्टार एक डूबते हुए तारे के समान ठीक है तो डूबते हुए तारे के समान कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करने की क्या करती है इच्छा करती है बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट ह्यूमन थॉट यानी मानवीय विचारों की जो बाउंड है ना सीमाएं हैं उनसे एटमोस्ट यानी उनकी जो सर्वाधिक सीमा एटमोस्ट बाउंड यानी गाइज सर्वाधिक सीमा जो है उसके बियउंड यानी परे यानी मानवीय विचारों की जो सर्वाधिक सीमा है उससे परे ये कुछ ना कुछ पाने की इच्छा करती है ठीक है तो यहाँ तक गाइज अभी तक यही चल रहा है हमारा कंटिन्यू सोली लोकी चल रहा है अभी कोई भी नहीं सुन रहा इसकी बातों को सिवाय हमारे ठीक है तो हम ही सुन रहे इसकी बातों को ये जो लिखा गया है तो अभी कोई और लिसनर नहीं है यहाँ पर स्पीकर है और ये सोली फॉर्म में चल रहा है आगे भी सोली चलेगा अभी तक ठीक है तो आगे चलते हैं अब ये शायद अब जो है आगे बता रहा है कि दिस इज माई सन ये है मेरा बेटा माई ऑन टैली मेकर्स खुद से बातें कर रहा है ये है मेरा बेटा मेरा खुद का टैली मेकर्स टू होम जिसके लिए आई लीव मैंने छोड़ दिया स्कैप्टर स्कैप्टर यानी राजदंड राजदंड मैंने छोड़ दिया एंड द आइल आइल यानी आईलैंड कौन सा था आईलैंड गई इज रिमेंबर इथहा इथहा जो टापू था ठीक है आई टी एच ए सी ए इथहा ठीक है पेन डाउन कर लेना तो इथहा जो है वो आइलैंड का नाम है ठीक है तो टू uh, होम जिसके लिए आई लीव द कैप्टर एंड दी आइल जिसके लिए मैंने राजदंड छोड़ दिया और इथा का टापू को भी मैंने छोड़ दिया वेल लव्ड ऑफ मी उसने मुझसे क्या किया बहुत अधिक प्रेम किया यानी बहुत अधिक प्रेम करता था मुझसे डिसर्निंग वो इतना समझदार था Discerning यानी होता है गाइस समझदार समझदार है टू फुलफिल यानी पूर्ण करने के लिए दिस लेबर यानी इस कठिन परिश्रम को कठिन परिश्रम क्या है राजदंड यानी राज दरबार को संभालना कितना कठिन कार्य होता है तो उसको कार्य को संभालने के लिए डिसर्निंग बड़ा समझदार है बाई स्लो प्रूडेंस और बाई स्लो प्रूडेंस यानी कि धीरे धीरे बुद्धिमता से स्लो यानी धीरे धीरे प्रूडेंस यानी बुद्धिमता से टू मैक माइल्ड माइल्ड यानी कोमल बना देगा यानी बहुत दिमाग है उसमें बहुत इंटेलिजेंट है धीरे धीरे बुद्धिमता से क्या करेगा मैक माइल्ड यानी कोमल बना देगा रग्ड रग्ड पीपल रग्ड पीपल यानी असभ्य लोगों को अब रग्ड पीपल यानी क्या हुआ असभ्य कौन है असभ्य वही थे अशिक्षित लोग जो पहले आए थे अभी इलिटरेट पीपल जो थे यानी जो प्रजा है अशिक्षित प्रजा जो है तो उनके लिए कह रहा है कि जो असभ्य लोग हैं ना इनको क्या करेगा मैक माइल्ड यानी कोमल बना देगा एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्री सॉफ्ट डिग्रीज यानी कोमल तरीकों के माध्यम से और क्या करेगा थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज कोमल तरीकों से क्या करेगा शब्द यानी शांत कर देगा देम उन लोगों को टू द यूजफुल उपयोगिता के लिए एंड द गुड और अच्छी बातों के लिए यानी उनको अच्छी अच्छी चीजें सिखाएगा उपयोगी चीज़ बताएगा यानी कैसे जीवन का उपयोग करना है ठीक है मोस्ट ब्लेमलेस इज ही और सर्वाधिक निर्दोष होकर मोस्ट ब्लेमलेस यानी सर्वाधिक निर्दोष होकर इज ही सेंटर्ड वह क्या है केंद्रित हो गया है सेंटर्ड यानी केंद्रित होना या फिर एक और चीज़ है इंटरेस्टेड ठीक है सेंटर्ड यानी यहाँ पर क्या है इंटरेस्टेड इन द स्पेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज स्पेयर यानी क्षेत्र में ऑफ कॉमन ड्यूटीज यानी जो सामान्य कर्तव्य होते हैं सामान्य कर्तव्य हैं उनके क्षेत्र में क्या है वो बड़ा ही रुचि लेता है सेंटर्ड यानी काफ़ी इंटरेस्टेड है डिसेंट और वह इतना शालीन है नॉट टू फेल कि वह असफल ही नहीं होता है इतना शालीन है कि असफल नहीं होता है इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस गाइस दिस वन इज अ फ्रेज इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस का मतलब होता है कि हिज ड्यूटी टू हिज मदर यानी अपने माँ के प्रति जो कर्तव्य है ठीक है यानी अपनी माँ के प्रति कर्तव्य में कभी भी वह असफल नहीं होता है वह डिसेंट यानी इतना शालीन है नॉट टू फेल यानी वह असफल नहीं होता है इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस यानी अपनी माँ के प्रति कर्तव्य में एंड जो पे यानी वह क्या करता है पूर्ण करता है मीट एडोरेशन यानी उचित पूजा याचना को पूर्ण करता है टू माई हाउस होल्ड गोल्ड्स मेरे जो घर के देवी देवता थे उनके प्रति ठीक है वेन आई आई एम गॉन जब मैं चला जाता हूँ यानी मेरे जाने के बाद उसने अच्छे से मेरे घर के देवी देवताओं की पूजा याचना की अपनी माँ के प्रति भी बहुत अच्छे कर्तव्य

जो नाविक थे उसके साथ समुद्री यात्रा में थे उसके जो साथी थे जो युद्ध युद्ध में लड़े थे उसके साथ ठीक है तो वो जो मैरिनर्स हैं उसके पियर्स हैं वो क्या हैं वो ही उसके क्या हैं लिसनर्स हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर हम ड्रामेटिक मोनोलॉग का फॉर्म चलेगा ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है ये तो मैंने बताया था आपको कि ड्रामेटिक मोनोलॉग मोनो यानी क्या होता है वन होता है लोग यानी होता है कन्वर्सेशन यानी एक व्यक्ति ही बोलता है मोनोलॉग यानी एकालाप यानी एक, एक व्यक्ति ही आलाप करता है यानी बातचीत करता है ठीक है तो यानी स्पीकर कौन है यहाँ पर यूलिसिस ही है और लिसनर कौन है अब बार लिसनर एड हो चुका है सोली लोकी में जो पहले पहले पढ़ा था ना हमने सोली लोकी में कोई लिसनर नहीं था याद रखना सोली लोकी यानी होता है सेल्फ अट्रेंस जिसमें खुद बोलता है ठीक है ये चीजें याद रखने की हैं मोनो और ड्रामेटिक मोनोलॉग यानी जिसमें एक स्पीकर होगा बट लिसनर कितने भी हो सकते हैं तो बहुत सारे लिसनर इसमें मैरिनर्स हैं उसके ठीक है वो उसके लिसनर है ओके तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से देयर लाइज द पोर्ट अब आगे यूलिसिस है वो कह रहा है कि देयर यानी वहाँ पर रखा हुआ है लाइज यानी रखा हुआ है द पोर्ट यानी जो बंदरगाह है ठीक है बंदरगाह है अब बंदरगाह की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वहां पर देखो क्या है बंदरगाह है अपने नाविकों से कह रहा है कि द वैसल पफ्स हर सेल वैसल यानी जो जहाज है उसके लिए पफ्स यानी जो हवाएं हैं पफ्स हर सेल यानी हवा अनुकूल है ये एक फ्रेज है वैसल पफ्स हर सेल यानी जहाज के लिए हवा अनुकूल है ठीक है इसको लिख लेना याद रख लेना कि जो वैसल यानी जहाज के लिए हवा क्या है अनुकूल है ठीक है दे आर ग्लूम द डार्क ब्रोड सी दे आर ग्लूम यानी वहां पर देखा जाता है दे आर ग्लूम यानी ग्लूम यानी देखा जाता है डार्क ब्रोड सी जो अंधकारपूर्ण ब्रोड यानी विस्तृत सागर को देखा जाता है ठीक है माई मेरिनर्स अब आगे देखो लिसनर्स को संबोधित कर रहा है माई मेरिनर्स मेरे नाविको उसके कौन है वो लिसनर है उनसे कह रहा है कि माई मेरी मेरे नाविको सोल्स तुम आत्मा रहे हो दैट है कार्य किया है विमर्श किया है किस बारे में विचार किया कि कैसे क्या करना है तो उन सब चीजों के बारे में तुमने क्या किया मेरे साथ विचार किया है कार्य किया कठिन परिश्रम किया है to, और तुमने हमेशा ही क्या है फ्रॉलिक यानी प्रसन्नता भरा वेलकम यानी स्वागत को टुक यानी अपनाया तुमने हमेशा एक प्रसन्नता भरी स्वागत को अपनाया है द थंडर एंड द द सनशाइन सनशाइन थंडर यानी जो जो गर्जना है और जो है एंड एंड और धूप अपोज तुमने उन उन क्या किया है? यानी उन सब के साथ स्वागत किया है है यानी साथ स्वागत एंड तुमने विरोध किया है फ्री हार्ट्स यानी स्वतंत्र हृदय के साथ तुमने क्या किया है विरोध किया है स्वतंत्र हृदय के, के साथ फ्री फॉर स्वतंत्र फॉरहेड यानी फोर यानी दिमाग नहीं फॉर यानी क्या होगा विचार ठीक है फॉर यानी ये नहीं तुम्हारा फॉर तुम सिर समझ लो इसको ठीक है तो फ्री फॉरहेड यानी गाइज यहाँ पर फॉरहेड यानी किसके लिए विचारों के लिए आ रहा है तो तुमने क्या किया है फ्री हार्ट्स यानी स्वतंत्र हृदय के साथ तुमने विरोध किया है स्वतंत्र विचारों के साथ तुमने क्या किया विरोध किया है यू एंड आई आर ओल्ड लेकिन तुम सब जानते हो कि यू तुम एंड आई और मैं क्या हो गए हैं आर ओल्ड अब क्या हो गए हैं वृद्ध हो गए हैं ओल्ड एज हैथ यट हिज ऑनर एंड हिज टोयल लेकिन वो क्या कह रहा है ओल्ड एज लेकिन जो हमारी वृद्धावस्था है ना वो क्या करती हैथ यट वह अब भी क्या रखती हैज यट वह अब भी रखती है हिज ऑनर अपने सम्मान को एंड हिज टोयल यानी कठिन परिश्रम को यानी हो सकता है हम वृद्ध हो गए हैं लेकिन अभी भी हमारे हमारा बहुत लोग सम्मान करते हैं हम अपने कठिन परिश्रम को रखते हैं डेथ क्लोज ऑल लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है दोबारा कह रहा है कि लेकिन क्या है लेकिन मृत्यु क्या है क्लोज ऑल सभी चीज को समाप्त कर देती है यानी हो सकता है हम अभी भी एक जोश है हमारे अंदर लेकिन क्या है फिर भी मृत्यु तो सब चीज समाप्त कर देती फिर भी कह रहा है बट समथिंग द एंड लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ चीज़ है 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 जो मृत्यु से भी पहले ठीक यानी अभी तक हमारे पास समय बचा हुआ सम वर्क ऑफ नोबल और वो क्या है? कुछ कोई कार्य है जो श्रेष्ठ नोबल नोट यानी श्रेष्ठ स्वर का है ठीक है श्रेष्ठ स्वर का है मे यट बी डन और उसे अब भी पूर्ण किया जा सकता है मे यट बी पूर्ण मे यट बी डन यानी उसे अब भी पूर्ण किया जा सकता है नॉट अन बिकमिंग मैन और हम अयोग्य मनुष्य नहीं हैं नॉट अन बिकमिंग मैन हम अयोग्य मनुष्य थोड़ी है कोई दैट स्ट्रॉ विद गॉड हमने तो जबकि क्या किया है हम तो वो मनुष्य हैं जिन्होंने क्या किया है स्ट्रॉव uh, यानी संघर्ष किया है ठीक है किसके साथ विद गॉड्स यानी देवताओं के साथ क्योंकि उनका युद्ध किसके साथ था देवताओं के साथ आपको बता दूँ मैं कि ट्रॉय का युद्ध किसके साथ था तो क्योंकि जो ट्रॉय है ना उसको क्या है देवताओं की भूमि मानी जाती है ठीक है तो इसीलिए जो तो हमारा युद्ध किसके साथ हुआ था देवताओं के साथ हुआ था द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स जो लाइट्स है यानी जो प्रकाश है वह प्रारंभ हो जाता है ट्विंकल यानी चमचमाना चमचमाना फ्रॉम द रॉक्स यानी चट्टानों से द लॉन्ग डे वें जो लंबा दिन है वह समाप्त होता है द स्लो मून क्लाइम्स जो स्लो मून यानी जो धीरे धीरे चंद्रमा है वो क्या करता है क्लाइम्स यानी ऊपर चढ़ने लगता है क्योंकि देखिए जो शाम का समय वो ढल चुका है शाम हो चुकी है शाम मतलब जा रही है अब यू you नो know, अब नाइट आने वाली है तो इसलिए कह रहा है कि स्लो मून जो धीरे धीरे चंद्रमा है वो ऊपर चढ़ रहा है द डीप जो गहरा है क्या अब आगे क्या कह रहा है द डीप आगे देखिए द डीप मोन्स जो गहरा डीप मोन्स यानी यहाँ पर जो डीप यानी महासागर है मोन्स यानी क्या कर रहा है वो शोक प्रकट कर रहा है राउंड विद मैनी वॉइसेज अनेक आवाजों के साथ ठीक है अब आगे कह रहा है वो कि कम माई फ्रेंड आ जाओ मेरे मित्रों इट इज़ नॉट टू लेट अभी इतनी भी देरी नहीं हुई है टू सी क न्यूअर वर्ड कि हम एक नया संसार तलाश ना कर सकें तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लाइन है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक अर वर्ड अभी इतनी भी देर नहीं हुई है कि हम तलाश ना कर सके सी यानी तलाश करना खोज ना सके हम अ न्यूअर वर्ड एक नए संसार को इतनी देर थोड़ी हुई है पुश ऑफ यानी खुद को जहाज़ को यानी जहाज़ जो है था ना उसको क्या करो समुद्र में ले जाओ एंड सिटिंग वेल अच्छी तरीके से बैठ जाओ इन ऑर्डर क्रम में इन ऑर्डर यानी क्रम में स्माइट यानी प्रहार करो यानी अपने जो तलवार हैं उनसे क्या करो तुम प्रहार करो किस पर द साउंडिंग फ्यूरोज जो गुंजायमान जो लहरें हैं उन पर फॉर माई पर्पज होल्ड क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है टू सेल यानी यात्रा करना बियॉन्ड द सनसेट यानी सूर्यास्त से परे यानी यात्रा करता रहूं एंड द बाथ्स और मैं नहाना चाहता हूं ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स यानी जितने भी पश्चिमी तारों के प्रकाश हैं में क्या करना चाहता हूं नहाना चाहता हूं अंटेलाइड आई डाई तब तक जब तक कि मैं मर नहीं जाता इट मे भी ऐसा हो सकता है दैट द गल्फ की जो चक्रवात है विल वॉश अस डाउन व हमें इसमें डुबो दे हो सकता है इट मे भी ऐसा हो सकता है वी शैल टच द हैप्पी आइल्स या ये भी हो सकता है कि हम हैप्पी आइल यानी जो प्रसन्नता भरा टापू है उसको छू लें या तो हम डूब भी सकते हैं या हम प्रसन्नता भरे टापू को भी छू सकते हैं ठीक है एंड सी द ग्रेट एकिलस और देखो उस महान एकिलस को एकिलस कौन था ग्रेट ग्रीक वॉरियर था गाइस तो एकिलस का नाम भी याद रखना एंड सी और देखो द ग्रेट एकिलस जो महान एकिलस था ना होम बीनू जिसे हम जानते हैं ठीक है जिसे हम जानते हैं दो मच इज टेकन मच अबाइड्स अब आगे कह रहा है कि दो यद्यपि मच इस टेकन यानी अत्यधिक जो अनुभव है अनुभव के लिए कह रहा है कि एक्सपीरियंस जो है ना वो टेकन वो ले लिया गया है मच अबाइड और अत्यधिक जो अनुभव है वो क्या है अबाइड यानी रह गया है बच गया है एंड दो यद्यपि वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच नोल्ड एस अब आगे कह रहा है कि वी आर नॉट नाउ हम अब वो नहीं है वी आर नाओ नॉट सॉरी वी आर नॉट नाओ दैट स्ट्रेंथ हम अब वो शक्तियाँ नहीं रखते हैं विच इन ओल्ड डेज जो हम जिसे हम कब रखते थे वृद्धावस्था में यानी जब हम यानी कि वृद्धा अवस्था में जिसे हम रखना चाहते हैं वी आर नॉट नाओ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज मूवड अर्थ एंड हैवन ठीक है हम क्या करते थे हिला देते थे एक समय था हमारा जब हम हिला देते थे इस पृथ्वी को इस वर्ग को दैट विच वी आर वी आर जो कि अब हम हैं यानी वृद्धावस्था में आ गए हैं हम अब उतनी शक्तियां नहीं है हमारे पास वन इक्वल टेम्पर ऑफ हेरोक अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वन इक्वल टेम्पर हम एक समान स्वभाव वाले रहें ऑफ हृदय हैं यानी हम एक समान स्वभाव वाले वीरतापूर्ण हृदय है हैरोइक हर्ट्स हैं हम हेरोइक सोल्जर्स हैं हेरोइक हर्ट्स हैं मैक मैड वीक जिन्हें कमजोर बना दिया गया है बाई टाइम समय के द्वारा यानी समय ने हमें वृद्ध बना दिया है इसलिए हम कमजोर हो गए फेट भाग्य ने हमें कमजोर बना दिया है बट स्ट्रांग लेकिन हम मजबूत हैं अभी भी इन विल यानी हमारी इच्छा शक्ति में टू स्ट्राइव यानि प्रयत्न करने के लिए टू सीक यानी तलाश करने के लिए टू फाइंड यानी पाने के लिए एंड नॉट टू विल्ड और समर्पण नहीं करने के लिए देखिए किस चीज़ को प्रयत्न करना है किस चीज़ को सीख करना है नए नए लैंड न्यू लैंड की तलाश करनी होने नए नए लैंड को पाना है तो इसलिए कह रहा है कि टू स्ट्राइव यानी हम अभी भी मजबूत हैं हमारी इच्छा शक्तियों में प्रयत्न करने के लिए किस चीज़ के लिए सीख यानी तलाश करने के लिए न्यू लैंड के लिए टू फाइंड यानी पाने के लिए एंड नॉट टू यूल डो यू और समर्पण नहीं करने यानी अभी भी हम समर्पण नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के आगे चाहे वृद्धावस्था आ गई हम समर्पण नहीं करने वाले ठीक है तो गैस ये जो पोयम थी ना इसका हीरो कौन है यूलिसिस है ठीक है और जैसे मैंने आपको बताया कि ये होमर के जो ग्रेट इपिक है ना ओडीसी उससे लिया गया है ठीक है और ये पूरा निरेशन था ना इस पोएम का ये किसके माउथ के द्वारा किया गया यूलिसिस ने खुद किया है पूरा निरेशन ठीक है और उसी नेरेशन को यहाँ पर अपने शब्दों में उकेरा है किसने टेनेसन ने ठीक है और इस स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या है जो हीरो है ना वो कहाँ से लौटा है मैंने आपको पहले ही बताया था रिटर्न होम कहाँ पर घर लौटा है वो एट इथाका इथाका टापू में ठीक है उसके जो एब्रोड का यानी एक्सप्लोइट्स थे यानी उसके जितने भी एक्सप्लोइट थे उसके बाद साहसिक यात्रा जो थी ना उसकी उसके बाद ट्वेंटी इयर्स के बाद वो लौटा था ठीक है तो उसके बाद पूरी एक्टिविटी यानी जो सोलो की था ना उसमें हमने उसकी आइडलनेस इन एक्टिविटी के बारे में जाना जो घर पर जो घर पर फील कर रहा था वो टायर फील कर रहा था बहुत ज़्यादा ठीक है उसके बाद का जो ये सेकंड वाला जो पार्ट हमने देखा था ना गाइज़ ये ड्रामेटिक उन लोग का ये जो पढ़ा हमने इसमें बस यही उसके मैरिनर्स को संबोधित करता है उनको बताता है कैसे समुद्र में हमने क्या क्या किया हम अभी भी हम स्ट्रॉन्ग हैं और ये सब चीज़ें उसमें बताई गई है तो गाइज़ इतनी ज़्यादा टफ नहीं है जितना हम देखने में ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे लेकिन पढ़ने के बाद आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ओके okay, सो so, इसको एक बार फिर से कवर करिएगा रीड करिएगा अच्छे से समझ आ जाएगी गाइस एंड आई होप फॉर योर बेस्ट फ्यूचर ठीक है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पोएम एंड आई होप आपने अब तक तो देख ही लिया होगा सारी वीडियोज़ uh, प्रीवियस की ठीक है तो पहले की जितनी भी वीडियोस हैं उनको कवर कर लीजिएगा एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा हो एंड uh, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ठीक है थैंक यू सो मच गाइज़